क्वेश्चन ये है कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और स्ट्रिंग को थीटा एंगल से डिस्प्लेस करता है। तो हमें वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स एफ फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड वन में वर्क डन बाय फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी हैव वर्क डन बाय एनी फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vector f dot vector ds। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स f का मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है इस बारे में भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में हो, या कोई ज़रूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको एच हाइट से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर इसका वेट एम जी एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे जैसे नीचे आएगा एम जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, बिकॉज जी की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वी हैव जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये कन्फर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगेन जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करे तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में हो और उस पर जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज करे, उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट का वेट mg स्ट्रिंग के टेंशन t से बैलेंस था। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में था और फिर इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स f अप्लाई होता है। ठीक है, और f का मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं था,
यही वजह है कि इस सब्जेक्ट पर भी जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और ये एंगल थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, इसका वेट एम जी डाउन डायरेक्शन में एड कर रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं टी के इक्वल है, ठीक है। दिस इज वर्टिकल, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। सो वी हैव टी साइन थीटा इक्वल टू एफ टी साइन थीटा इक्वल टू एफ एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। सो दिस इंप्लाई दैट इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर एफ की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है तो एक कंफर्म है कि थीटा की वैल्यू भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, ठीक है, बिकॉज टेन थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर एफ इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा और साथ में थीटा भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां से ये स्टेब्लिश हो गया कि अगर एफ का मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो थीटा की वैल्यू भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरी वेरी स्मॉल स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी हैव वर्क डन बाय द फोर्स एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां से यहां होता है सच दैट दिस इज स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है, एंड दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड वी हैव डी एस इक्वल टू एल इन टू डी थीटा, स्ट्रिंग का लेंथ एल के इक्वल है, सो वी हैव डी एस इक्वल टू एल डी थीटा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा इंटू डी एस, डी एस इज इक्वल टू एल डी थीटा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, अगेन दिस प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90, ठीक है। सो वी हैव दिस एंगल इक्वल टू
30 एंगल, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, फ्रॉम 0 टू थीटा, ठीक है, इक्वल टू एम जी एल इज कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस इंटू कॉस, तो हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम जी एल इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 माइनस cos theta, and this is the work done by the variable force F. ठीक है, तो ये first method हो गया, next second method से इसको solve करते हैं। मेथड टू, तो मेथड टू में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं, ये ब्लॉक है, ये सिस्टम है। ठीक है, मिश्री ब्लॉक इस पॉइंट पे था और जो भी एंगल थीटा हो जाएगा तो ब्लॉक इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक दैट इज सिस्टम एंड दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जो सिस्टम है उस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और सभी फोर्सेस का वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तुम देख सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस हैं उसमें पहले इसका वेट mg है, फिर हॉरिजॉन्टल वेरिएबल फोर्स F है और स्ट्रिंग में टेंशन T है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट पर यही तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोल। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि जो बोल है वो ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंस टू जीरो होगी। तो ये कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो वी हैव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट, तो पहले वर्क डन बाय एमजी फाइंड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, अब वो यहां पे आता है, तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं h के इक्वल है, देन वी हैव वर्क डन बाय mg इक्वल टू माइनस mg h। ठीक है, क्योंकि mg फोर्स डाउन डायरेक्शन में है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपर डायरेक्शन में है। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स F, इसको फाइंड करना है। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, तो यहां पर टेंशन का वर्क डन
जीरो है, ठीक है, क्योंकि जो टेंशन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब किसी भी स्टैंड पर ऑब्जेक्ट का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस होगा, टेंशन हमेशा उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मतलब किसी भी स्टैंड पर टेंशन के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, सो वी हैव वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल टू एम जी इंटू एच, एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये एल है, ये टोटल एल है, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, सो वी हैव एच इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो हो जाएगा एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू।